हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगस। रिप्रोडक्शन इन फंगी यानी कवकों में जमन जनन। अब अगर हम बात करते हैं फंगस में रिप्रोडक्शन की, तो जो फंगस होते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये मेनली तीन टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है विजिटेटिव, दूसरा होता है एसेक्सुअल और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी जो हमारे फंगस हैं इनमें तीन टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। विजिटेटिव रिप्रोडक्शन, विजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या जब भी होता है प्लांट जो फंगस है उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम इन एब्सेंट, सेक्सुअल इन गोनाइट्स यानी रिप्रोडक्शन विदाउट गोनाइट्स यानी जर्दों के अभाव में जो रिप्रोडक्शन होता है या जिसमें मिक्सिंग आप गैमिट नहीं होती है उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। हिंदी में इसे कहते हैं कायिक अलैंगिक और इसको कहते हैं लैंगिक। तो इस तरीके से जो जनन होता है वो तीन प्रकार का हो गया, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अगर हम बात करते हैं कायिक जनन की, तो कायिक जनन जो होता है ये फिर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो फ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि जो माइसीलियम होता है फंगस का वो माइसीलियम टूट जाता है। सपोज दैट अगर ये कोई एक फंगल माइसीलियम है तो ये माइसीलियम क्या होगी? टूट जाएगी और टूटकर अलग हो जाएगी और इस टूटे हुए माइसीलियम से नया फंगल माइसीलियम क्या होता है? जनरेट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। यानी जो फंगस की माइसीलियम है उस माइसीलियम के टूट जाने से जब किसी नए फंगस का विकास होता है तो यही चीज क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और फंगस के केस में जो सबसे कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है फिजर। अब अगर फंगस क्या करे, स्वयं को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वह फिजर कहलाता है। यानी सपोज दैट अगर यह कोई एक फंगल सेल है तो यह क्या करे, यह फंगल सेल पहले अपने बीच में एक क्लीवेज फ्लो बनाए और इस क्लीवेज फ्लो के द्वारा दो सेपरेट फंगस में डिवाइड हो जाए। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिजर कहलाती है। यानी फिजर में पेरेंट सेल क्या करती है? सेल्फ को डिवाइड करती है तो डॉटर सेल्स में। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? ब्रेकेज ऑफ माइसीलियम यानी माइसीलियम के टूटने से जब नया फंगस बनता है तो वो चीज क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन। और जब फंगस स्वयं को डिवाइड करके नया डॉटर सेल बनाता है तो ये चीज क्या कहलाएगा? फिजन। थर्ड चीज होती है बडिंग। बडिंग यानी बड का फॉर्मेशन करना। बडिंग जो होता है ये सबसे कॉमन होता है ईस्ट सेल में। ईस्ट सेल क्या होता है? ईस्ट सेल में सबसे पहले एक आउटग्रोथ निकलता है या आउटग्रोथ बढ़ता जाता है और बढ़ते हुए क्या करता है? ये एक नया बैक फंगल सेल बना लेता है। और जब यह फंगल सेल नया प्रिपेयर हो जाता है तो ये क्या करता है? ये पैरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और पैरेंट बॉडी से डिटैच होकर क्या करेगा? ये नया सेल बना देगा और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बडिंग। इसके बाद होता है स्कैलरोटिया। स्कैलरोटिया स्कैलरोटिया की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो फंगस होता है वो पहले स्कैलरोसिया का फॉर्मेशन करता है। ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है और फॉर्मेशन करने के बाद ये स्कैलरोटिया कहां बनता है? ये स्कैलरोटिया के अपर स्टैक पर बनता है और फॉर्मेशन के बाद ये क्या करेगा? नया फंगस का फॉर्मेशन करेगा और एट लास्ट होता है राइजोमार। राइजोमार विजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का ये लास्ट होता है। इसमें क्या करता है? फंगस रस्सी के समान तथा परस्पर गुथी हुई संरचना में पाया जाता है। इसकी जो संरचना होती है ये आप कह सकते हैं कुछ इस प्रकार की होती है।
तरीके से ऐसा लगता है जैसे रस्सियां क्या है एक दूसरे में परस्पर गुथी हुई है और इस संरचना में ये पाया जाता है और इससे क्या होता है नए फंगल माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट क्या कायिक रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन किसमें फंगस में। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन की हम क्या कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस के केस में। तो जो फंगस होता है फंगस के केस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले सेल डिवीजन के बेस पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि सेल डिवीजन मेनली दो पार्ट्स पर दो टाइप्स के माने गए हैं एक होता है माइटोसिस के द्वारा और दूसरा होता है मियोसिस के द्वारा। तो जब सेल डिवीजन क्या हो माइटोसिस के थ्रू हो तो इस प्रकार के डिवीजन को हम कहते हैं माइटोस्पोर। और जब ऐसा हो कि वह क्या हो मियोसिस के द्वारा हो तो इस प्रकार के हम रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं इस प्रकार के स्पोर्ट्स को हम क्या कहेंगे मियोस्पोर्स। तो इस तरीके से जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एक होता है माइटोस्पोर्स और दूसरा होता है मियोस्पोर्स। अब फिर होता है जो माइटोस्पोर्स होते हैं इसमें किस किस टाइप के स्पोर्ट्स बनते हैं तो इसमें सबसे पहला जो स्पोर्ट्स बनता है वो होता है जू स्पोर्ट्स। जो हमारे होते हैं ये मोटिल स्पोर्ट्स होते हैं सिंगल सेल होते हैं और इनकी वाल जो होती है वो थिन होती है। सेकेंड टाइप जो इसमें होता है वो होता है स्पोरेंजियोफोर जिसमें क्या होता है स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और ये क्या होते हैं ये नॉन मोटिल स्पोर्ट्स होते हैं और इनमें भी वाल क्या होती है थिन होती है। ये क्या थे थिन वाल मोटिल स्पोर्ट और ये क्या है थिन वाल नॉन मोटिल स्पोर्ट। मोटिल का मतलब ऐसे स्पोर्ट्स जो क्या हो जा सके चल सके गमन कर सके और नॉन मोटिल यानी ऐसे स्पोर्ट्स जो मूव ना कर सके। थर्ड होता है फिर इसमें क्लेमाइडो स्पोर्ट्स क्लेमाइडोस्पोर्स। जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं ये थिक वाल्ड होते हैं ये क्या होते हैं नॉन मोटिल स्पोर्ट माने जाते हैं यानी ऊपर के दोनों क्या थे थिन वाल्ड थे और ये क्या है थिक वाल्ड। अब अगर हम बात करें हमारे चौथे टाइप के स्पोर्ट्स की जो होता है इसे हम कहते हैं ओइडिया। जो होता है ये वाटर साल्ट या सुगर के एक्सेस मीडियम में पाया जाता है यानी या नॉर्मल स्पोर्ट नहीं है या उन्हीं जगहों पर पाया जाएगा जहां वाटर का साल्ट या सुगर का क्या होगा रिच मीडियम होगा एक्सेस मीडियम होगा ये उन्हीं स्थानों पर पाया जाएगा अन्यत्र नहीं पाया जाएगा। और लास्ट होता है कोनिडिया। जो कोनिडिया होता है ये भी थिक वाल्ड एक्सोजिनस स्पोर्ट्स माना जाता है और यह भी क्या होता है या भी फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा माइटोसिस या माइटोस्पोर्स के प्रोसेस में। अब अगर हम बात करें मियो स्पोर्ट्स की तो जो मियो स्पोर्ट्स होते हैं इसमें तीन चीजें मेनली पाई जाती हैं। एक होता है एस्को स्पोर्ट्स। जो एस्को स्पोर्ट्स होते हैं ये नॉन मोटिल स्पोर्ट्स होते हैं इसीलिए इन्हें एस्कस भी कहते हैं। क्या कहते हैं एस्कस भी कहते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है ये हमारा कहलाता है बेसिडो स्पोर्ट्स। जो बेसिडो स्पोर्ट्स होते हैं ये नॉन मोटिल स्पोर्ट्स होते हैं और ये एक्सोजिनस होते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है इन्हें क्या कहते हैं मायो स्पोर्ट्स। अब अगर हम बात करें अपने तीसरे टाइप के स्पोर्ट्स की तो जो तीसरा टाइप होता है इसको कहते हैं बाई न्यूक्लिएट स्पोर्ट। इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ऐसा स्पोर्ट्स क्या होगा बाई यानी टू न्यूक्लिएट यानी न्यूक्लियस यानी ऐसा स्पोर्ट्स क्या करेगा दो न्यूक्लियस बियर करेगा। इसके अंतर्गत जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एस्ट्रो स्पोर्ट्स होते हैं ग्यूडो स्पोर्ट्स होते हैं और टेरिटो स्पोर्ट्स होते हैं यानी बाई न्यूक्लियट स्पोर्ट्स के अंतर्गत तीन टाइप के स्पोर्ट्स आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं
एसिडो स्पोर्स डेविटो स्पोर्स, और जो तीसरा होता है वो क्या कहलाता है, यूरिडो स्पोर्स, यूरिडो स्पोर्स। इस प्रकार से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक हो गया माइटो स्पोर्स और दूसरा हो गया मियो स्पोर्स। जो माइटो स्पोर्स हो गया इसमें पांच टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोफोर, क्लेमाइडोस्पोर्स, कुलडिया और कोरेडिया। जबकि जो मियो स्पोर्स होते हैं मियोसिस के थ्रू बनते हैं उसमें एस्को स्पोर्स, बेस्टियो स्पोर्स और बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स। जिस बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स के अंतर्गत क्या आते हैं, एस्टियो स्पोर्स आते हैं, टेरिडो स्पोर्स आते हैं और यूरिडो स्पोर्स आते हैं। यानी इसमें भी क्या हो गए, पांच टाइप के स्पोर्स बनते हैं, यानी दोनों पार्ट्स में पांच अलग अलग प्रकार के स्पोर्स और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अब अगर हम थर्ड टाइप की बात करते हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब हम देखते हैं क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहां एक चीज आपको हमने क्लासिफिकेशन में भी क्लियर कर दिया था कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एबसेंट होता है इसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज में। फंगस का डिवीजन ड्यूट्रोमाइसिटीज से फोर्थ डिवीजन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, फंगी इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मिक्सिंग ऑफ गैमेट पाई जाए। मिक्सिंग ऑफ गैमेट के लिए क्या होते हैं, दो अलग अलग टाइप के गैमेट होने चाहिए, एक मेल गैमेट होगा, एक मेल गैमेट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फीमेल गैमेट होना चाहिए। अब यहां शर्त क्या है, इन्हीं मेल और फीमेल गैमेट के बेस पर जो फंगस का थैलस होता है वो दो टाइप्स का हो जाता है, एक होता है होमोथैलिक और दूसरा होता है हेट्रोथैलिक। टर्म होमो मींस होता है सेम और हेट्रो मींस डिफरेंट। अब अगर ऐसा कहीं कोई थैलस है जिसमें क्या है, एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक साथ पाए जा रहे हैं, तो ऐसे थैलस को हम क्या कहेंगे, होमोथैलिक कंडीशन। जबकि अगर कोई ऐसा थैलस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट क्या हो रहे हैं, अलग अलग थैलस पर पाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के थैलस को हम क्या कहेंगे, हेट्रोथैलिक। अब यहां जो डिवाइड हो रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीन प्रकार के कंडीशन में डिवाइड होता है। पहला होता है प्लैनोगैमेट, प्लैनोगैमेटिक, ठीक। जो प्लैनोगैमेटिक होता है इसमें फ्यूजन होता है दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट का और फॉर्म्ड होता है क्या, डाइकैरियन, यानी इसमें फॉर्मेशन होता है डाइकैरियन का, जो कैसे फॉर्म्ड हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से फॉर्म हो रहा है। इसके बाद होता है कैरियोगैमेट, कैरियोगैमेट या इसी को कैरियोगैमेटिक भी कहते हैं, कैरियोगैमेट। इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन ये जो डाइकैरियन हमारा फॉर्म्ड हुआ है या डाइकैरियन क्या होता है, डिप्लॉयड सिनकैरियन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, सिनकैरियन में। कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड यानी टर्म हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्लियर कर लेना जरूरी है। हैप्लॉयड मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ और डिप्लॉयड मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीट। इसके बाद होता है थर्ड स्टेप जो होता है, इसी को कहते हैं मियोसिस। अब मियोसिस स्टेज में जो हमारा बना हुआ सिनकैरियन होता है ये डिवाइड होता है और क्या करता है, चार हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाता है, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से क्या होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, तीन फेज हो गए, प्लैनोगैमेटिक, कैरियोगैमेटिक और मियोसिस। और इसमें प्लैनोगैमेटिक प्रोसेस में क्या बनता है, डाइकैरियन बनता है, जो क्या होता है, दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से फॉर्म होता है। जबकि जो कैरियोगैमी होता है ये डाइकैरियन के मिलने से फ्यूजन से बनता है और ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जबकि जो मियोसिस होता है ये सिनकैरियन के मियोसिस के द्वारा चार हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में डिवाइड होने के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस है ये कंप्लीट होता है। अब यहां एक चीज जान लेना और जरूरी होता है, वो क्या होता है, वो होता है कि मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या है।
मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या है? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसमें जो पहला मेथड है वही होता है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, जो प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे गैमेट है उन गैमेट की साइज कैसी है और उनका बिहेव कैसा है, उसी के आधार पर जो हमारा प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है ये डिवाइड होता है। अब टर्म यहां एक चीज होती है कि प्लैनोगैमेटिक क्या है। तो जो हमारे मोटिल गैमेट्स होते हैं, यानी गैमेट की कंडीशंस में जो मोटिल गैमेट होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्लैनोगैमेट कहते हैं। प्लैनोगैमेट कहते हैं। अब साइज के बेस पर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये तीन टाइप्स के हो जाते हैं। पहला होता है आइसोगैमेटिक कॉपुलेशन, आइसोगैमेटिक कॉपुलेशन। दूसरा होता है एनआइसोगैमेटिक कॉपुलेशन। और तीसरा होता है यूगैमेटिक कॉपुलेशन। अब यहां जो आइसो टर्म, आइसो का मतलब होता है इक्वल। जब दोनों गैमेट की साइज क्या हो? इक्वल हो, यानी मेल और फीमेल गैमेट की साइज क्या हो? एक समान हो, तो ऐसा कॉपुलेशन क्या कहलाता है? आइसोगैमेटिक, एन आइसोगैमेटिक। अगर ऐसा हो कि मेल या फीमेल में से किसी एक गैमेट की साइज बड़ी हो, तो इस प्रकार का जो कॉपुलेशन होता है ये एनआइसोगैमेटिक कॉपुलेशन कहलाता है। इसमें मेनली जो देखा गया है वो फीमेल नॉन मोटिल होती है और मेल मोटिल होता है, जबकि यूगैमेटिक कॉपुलेशन टर्म वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एग और ओवम को। इसमें क्या है, पहले ही बता दिया कि जो एग है फीमेल गैमेट है, उसकी साइज बड़ी होगी और इन कंपेरिजन टू मेल, जबकि मेल की साइज क्या होगी? छोटी होगी। अब दूसरा फिर प्रोसेस होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, अब पहले बता रहा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट होना है किसका? गैमेट का। तो जो गैमेट का कॉन्टैक्ट होता है, तो अब गैमेट कौन कौन से होते हैं? तो जो मेल गैमेट होते हैं इसको कहते हैं एंथ्रीडियम, जबकि जो हमारे फीमेल गैमेट होते हैं इनको कहते हैं आर्जी गोनियम। ठीक, और इन्हीं के कॉन्टेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होती है ये पाई जाती है और मेल गैमेट इसके बगल में पाया जाता है। फिर मेल गैमेट क्या करता है? धीरे धीरे ऑपरेशन ट्यूब का फॉर्मेशन बनाता है और मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट्स के साथ क्या करता है? फ्यूजन करता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहलाता है। तीसरा होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तीसरे पार्ट जो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यह तीसरा पार्ट माना जाता है। ग्रेविटेंजियल कॉपुलेशन की कंडीशंस में क्या होता है कि पहले मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, अगर ये मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फिर इनके बीच में आइसोगैमेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आइसोगैमेट, इसी को हम कहते हैं क्या? आइसोगैमेट। इस आइसोगैमेटिक का फॉर्मेशन होता है, आइसोगैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? फ्यूजन सेल बनते हैं। इस तरीके से फ्यूजन सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होते हैं? हमारे दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और इनके फ्यूजन के ठीक बाद ही क्या बन जाता है? जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या हो गया?
जाइगो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस से जब मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होता है तो यह चीज क्या कहलाता है, गैमेटेंजियम पॉपुलेशन कहलाता है। इसके बाद चौथा होता है अस्पर्मेटोगैमी। अस्पर्मेटोगैमी जो होता है इसमें क्या होता है कि नॉन मोटिल स्पोर्स जो होते हैं वो कैरी किए जाते हैं किसी वेक्टर के थ्रू, और जो मेनली वेक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, वाटर होता है या इंसेक्ट होता है। और एट लास्ट होता है अस्पर्मेटोगोनियल पॉपुलेशन। अस्पर्मेटोगोनियल पॉपुलेशन इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन होता है वो वेजिटेटिव सेल्स के डाइकैरियन फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और इस तरीके से ये क्या हो गया, ये पांच टाइप के हमारे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए। तो जो आपका रिप्रोडक्शन फंगस था वो इसी के साथ क्या होता है आपका, कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।